प्रयागराज के सिविल लाइन में इंदिरा भवन में फायर सर्विसेज का मॉक ड्रिल संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब सिविल लाइन के इंदिरा भवन में आग लगने की सूचना मिली। आग लगने की सूचना इंदिरा भवन के एक दुकानदार ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद क्विक रिस्पांस करते हुए 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम सीए हो डॉक्टर राजीव कुमार पांडे और अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में इंदिरा भवन पहुंची। फायर ब्रिगेड ने सबसे पहले इंदिरा भवन के प्रथम तल में लगी आग को बुझाया, उसके बाद अंदर फंसे दो लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए दम घुटने से बेहोश लोगों को दूसरे अस्पताल में भेजा गया। ये आग लगने की कोई वास्तविक घटना नहीं थी, बल्कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत अग्निशमन विभाग की ओर से आग ड्रिल कराई जा रही थी। गर्मी के सीजन में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर डीजी फायर के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों, अस्पतालों और बारात घरों में मॉक ड्रिल कराकर लोगों को आग लगने की घटनाओं के प्रति सेंसिटाइज किया जा रहा है। इस मौके पर इंदिरा भवन की फायर फाइटिंग उपकरणों की जांच की गई और सीए हो द्वारा भवन कर्मियों को फायर उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। खबर जगत के लिए एलेन सिंह की रिपोर्ट। तो इंदिरा भवन में सूचना मिली थी आग लगने की, कैसे रेस्क्यू किया आप लोगों ने? हम लोगों को 4 बजे इंदिरा भवन के प्रथम तल पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर हम दो टीम, फायर टीम और रेस्क्यू टीम लेके जो है यहाँ पे आए और यहाँ आके देखे कि प्रथम मंजिल पे काफ़ी धुआं निकल रहा था, धुआं से काफ़ी आगे चिंगारी भी निकल रही थी। उसी के देखते हुए हम लोग जो है तुरंत फायर टीम को अपने लगाए और एक्सटेंशन लेडर लगा के प्रथम मंजिल पे इनको बाहर से चढ़ाए और उसके साथ साथ हमारी रेस्क्यू टीम भी ऊपर गई। ऊपर देखे थे इनके प्रथम तल में आग लगी हुई थी, जिसको जो है अग्निशमन टीम जो है बुझाई। बुझाने में करीब आधे घंटे का वक्त लगा। उसके बाद रेस्क्यू टीम हमारी देखी, कोई घायल नहीं हुआ, उसमें दो लोग जो है घायल पाए गए और उनको जो है एक्सटेंशन लेडर से नीचे उतारा गया। अग्निशमन कार्य पूर्ण होने के बाद हम लोग पूरे बिल्डिंग को सर्च किए कि और कोई घायल नहीं, तो उसमें अंदर जो है 4 लोग हमें घायल मिले, जिनको हम लोग अंदर की सीढ़ी से लेके बाहर लाए, उनको एम्बुलेंस से जो है अस्पताल भिजवाए। इस तरह से जो हमारा एक मॉकड्रिल का प्रोग्राम चल रहा था वो पूर्ण हुआ। परिचय, मैं डॉक्टर राजीव कुमार पांडे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज हूँ और इस मॉकड्रिल का उद्देश्य हम लोगों का यह है कि लोगों को अग्निशमन के प्रति जागरूक करना, प्रेरित करना, आग से बचाव के बारे में बताना और इस बिल्डिंग में फायर के प्रति लोगों को जागरूक करना, यहाँ के कर्मचारियों को जागरूक करना, यहाँ के जो फायर वेंडर्स लगे हैं उनको जागरूक करना। यहाँ के फायर के सिस्टम को हम लोग पूरा चेक किए, उनको ऑपरेट किए और उनको प्रेरित किए कि कोई आग लगे तो आपको तत्काल कार्य करना है और यहाँ पब्लिक का लगभग 1000 लोगों का आना जाना है। उनको अग्निशमन यंत्रों के बारे में बताया गया कि कभी आग लगती है, कोई आग पहले छोटी होती है, उसको आप अगर फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा देंगे तो आग बुझ जाएगी। इस तरह यहाँ पे काफ़ी लोगों को हम लोग जागरूक किए और यह जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी ऑफिस है, काफ़ी व्यापारिक केंद्र है और इन लोगों को भी जागरूक किया गया कि आप लोग जो है इसकी सुरक्षा करें और इसमें सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि अग्निशमन के सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें।